सभी कथा प्रेमी भक्तजन यथाशीघ्र कथा पंडाल पे आए। श्री भागवत भगवान की आरती जल्दी से शुरू होने वाली है। बिल्कुल विलंब न करते हुए अति शीघ्र कथा पंडाल पे पहुंचे। जय श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंजे बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ
Thank you.
Oh,
छठवां दिन हो गया है। यहां से हम आ जाए व्यासपीठ से, जय जय, आप क्या बोलेंगे, श्री राधा, जय जय श्री राधा। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। कल सायंकाल में तमाम सभी लोगों ने बड़े आनंद के साथ भगवान श्री गोवर्धन नाथ को 56 भोग का भोग लगाया और यहाँ पर प्रसाद भी बटी। ऐसा लगा मानो साक्षात ठाकुर जी यही पंडाल में ही प्रकट हो गए। ऐसे आनंद की अनुभूति होगी, क्यों, जब मन भगवान के चरणों में, मन भगवान की कथा में लग जाता है, हमारा तन मन धन सब लग जाता है, तो ऐसा लगता है मानो साक्षात ईश्वर हमारे साथ है, साक्षात भगवान यहीं पर विराजमान है। आज अष्टम दिवस है, बस एक दिवस और बचा है शेष। देखिए अच्छा समय, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। क्या है, बुरा समय जो होता है ना, खराब समय होता है, कुछ दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, बाधाएं आ जाए, तो क्या होता है, एक दिन एक वर्ष जैसा, एक साल जैसा लगता है। पर जब जब सुख आता है, सुख में भी जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो क्या होता है, एक दिन एक क्षण जैसा। और सात दिन तो मानो ऐसा लगा भी भागवत कल ही शुरू हुई है, पर आज छठा दिन हो गया। चरणों में मन लगाइए। सिंहदेव स्वामी कहते हैं, राजा आज छठा दिन है, कल तक्षक आएगा, तुम्हें मारेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें डस देगा। परीक्षित बोलते हैं, गुरुवर आप जैसा जिसका गुरु हो, आप तो मुझे अमृत कथा पिला रहे हैं, और मेरा विश्वास है गुरु जी, मेरा सर्प तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा शरीर मरेगा, मैं तो अजर अमर शास्त्रों का विनाशी, मेरा नाम अमर हो जाएगा। सायंकाल के सारे ब्रजवासी पहुंच गए थे वहां गोवर्धन पर्वत में, स्नान हुआ, पूजन हुआ, छप्पन भोग लगाया गया, और भगवान कृष्ण स्वयं एक रूप में क्या बन गए, गिरिराज बनकर अपने चार हाथ वाले प्रकट हो गए, और दो हाथों से भोजन पाते जा रहे हैं। भोजन चल रहा है, सारे ब्रजवासी बड़े आनंद में, कन्हैया कन्हैया कमाल है गयो, तेरो भगवान तो साक्षात प्रकट होकर के दोनों हाथों से भोजन पा रहे हैं, प्रसाद पा रहा है। कन्हैया बोले, हाँ भैया मैंने कहा था ना, मेरा परमात्मा जो मेरा गिरिराज है, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, हमारी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ करेगा। भोजन चल रहा था, सारे ब्रजवासी एक साथ आ गए थे। नारद जी महाराज एक लड्डू लिए और जाकर के इंद्र से बोले, इंद्र जी आजकल आपकी पूजा पाठ बंद हो गई क्या? बोले क्यों? अरे ब्रजवासी जो आपकी साल में एक बार छप्पन भोग से पूजन करते थे, वो नहीं हुई? बोले महाराज होगी? बोले नहीं, बस बोले होगी भी नहीं है, मैं लड्डू लेकर आया हूँ, आपकी हजारों वर्ष पुरानी पूजा दंत के सात वर्ष के छोड़े के बंद करा रही महाराज, आपको पता साथ रह गए महाराज, अब आपका कुछ सम्मान होने वाला नहीं है, ब्रजवासियों ने आपका बहिष्कार कर दिया, हिम्मत प्रजवासियों की, गैया चरावे वाले अनपढ़ गवार
कल तक मेरी पूजा करते थे, आज से छोरा है गयो तो मेरी पूजा बंद। तो धर्म सांबर सामर्थक नाम के गढ़ो जाओ, पूरे ब्रजमंडल को एक भी गांव, एक भी घर, एक भी व्यक्ति, कोई भी सुरक्षित ना बचे। इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। और क्या हुआ, जैसे इंद्र ने आदेश दिया, वहां भगवान का 56 भोग चल रहा था, नाच गाने हो रहे थे, भजन चल रहा था, ब्रजवासी बड़े आनंद में थे। उसी समय क्या हुआ, बिजली कड़की और अचानक से अंधेरा छा गया, बादल गरजे और बड़ी जोर से बारिश आई। कैसी बारिश, मूसलाधार बारिश, बड़े काले काले बादल आए और एक क्षण इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, सारे बजवाते कन्हैया 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 बचाओ 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 बचाओ। भगवान ने कैसे किया, और भगवान ने जैसे ध्यान किया, वो इंद्र ने सब विघ्न कर दिया और कन्हैया से रहा नहीं गया। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े पूजा ब्रजमंडल, तो भगवान ने कुछ देखा नहीं। भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों के जीवन में कष्ट आता है तो मैं उसे सहन कर नहीं पाता। तो 7 वर्ष के छोटे से कन्हैया ने तुरंत क्या किया, उस गिरिराज पर्वत को जो 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा यानी 7 कोस का है, उसे प्रभु ने छोटी वाली उंगली में धारण कर लिया। बोले गिरिराज गिरिराज धरण भगवान की जय। बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्रजवासियों। और कहते ऐसी माया भगवान की, भगवान क्या है, कर्तुक अकर्तुक अन्यथा कर्तुक समर्थ सा ईश्वर। भगवान का मतलब, ईश्वर का मतलब होता है जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता, और जो कुछ ना करके भी सब कुछ कर ले, वही तो ईश्वर है, वही तो भगवान है। और पूरा ब्रजमंडल गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गया, भगवान ने छतरी सा बना दिया, सारे ब्रजवासी आ गए और सब कोई पशु पक्षी ग्वाल गाल गौ माता सारे ब्रजवासी आए और बारिश चल रही है। 7 दिनों तक बारिश हुई और भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को अपनी छोटी वाली उंगली में धारण कर दी। सारे ब्रजवासी बड़े आनंद में, क्योंकि भोजन की कमी नहीं, पानी तो है ही, भोजन 56 भोग बने तो पानी भगवान कहते यही सो जाओ यही आनंद करो। और साथ में सारे ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लकड़ी अपनी अपनी डंडा अपनी अपनी छड़ी को लगा दिया कि हम भी भगवान की हेल्प कर रहे हैं, हम भी कन्हैया की सहायता कर रहे हैं। अब जैसे 4-5 दिन हो गया, ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरे बड़े अच्छे कार्य किए, थक गए हो लाला, आराम कर ले, विश्राम कर ले, 6 दिन से तू खड़ा है, आराम कर ले। भगवान बोले ना ना ना, यदि मैंने आराम किया तो ये पर्वत नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी बोले भैया तू चिंता मत कर, हमने भी अपनी लाखों छड़ियों को लगा रखा है। भगवान बोले तो भी कुछ भी हो जाए, मैं यदि उंगली को थोड़ा भी नीचे करूंगा पर्वत नीचे आ जाएगा। ब्रजवासी बोले क्यों, अरे तेरे अंदर ऐसी कौन सी ताकत कौन सी शक्ति है जो तू अकेले उठा लिया। तो कहते हैं भगवान के मुख से अकस्मात सहसा निकल गया, मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले कन्हैया यदि भी मत है, हमारे साथ भैया चलाता, हमारे साथ पत्थर खाता, चोरी करता, झूठ बोलता, आज आपने थोड़ी पर्वत उठा लिया जिसमें हमने भी तेरी सहायता करी है, तो बोलता है भगवान। भगवान बोलते हैं हाँ भगवान। तो ब्रजवासी कहते हैं एक काम कर, तू अपने हाथ को हटा, हम स्वयं धारण कर लेंगे, हम स्वयं इसको उठा लेंगे। और जैसी ठाकुर जी ने थोड़ी अपनी उंगली ढीली ढीली की, पर्वत नीचे को आने लगा। तो क्या बोले, समान 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 कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तो भगवान ने पुनः धारण कर लिया। अब भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं तो ब्रजवासी मानते नहीं, और बोलते आज तुमको बताने ही पड़ेगा आखिर तू कौन है। ठाकुर जी कहते हैं
भैया मैंने आपसे कहा ना मैं आप ही जैसा हूँ पर भगवान हूँ, तो तेरे अंदर ताकत कहाँ से आई? तू भगवान तो है नहीं पर तेरे अंदर शक्ति कहाँ से आई कि तूने किसे उठा लिया? हमने भी नक्खट खाया, हमने भी मिश्री खाया, हमने भी भोजन किया। ठाकुर जी कहते हैं मेरे गिरी हर लियो उठा कछु माखन क्यों बन बढ़ो। अरे मेरे मित्रों, अरे मेरे सखाओ, अरे मोरे मेरे भोले भंडारी मेरे मित्रों, कुछ तो जो मैंने मक्खन खाया चुरा चुरा करके उससे मेरी अंदर ताकत आई कछ गोपी ने करी सहाय। कुछ आप लोगों की लकड़ी ने लाठी ने उस डंडे ने काम कर दिया। श्री राधे मैंने मक्खन खाया आपने मेरी सहायता की, पर ये काम यदि मैं कर पाया हूँ मैंने गोवर्धन को उठा लिया, जिसके लिए सबसे बड़ी कृपा श्री राधा रानी की है। बिना राधा रानी की कृपा के मैं ये कार्य कर ही नहीं पाता। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। लो प्रेम छोड़ के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा जो ही चमत्कार हुआ मेरे जीवन में आपके जीवन में स्थित राधा रानी की कृपा से हुआ है। सच मानिए वृंदावन में पूरे ब्रज में स्थित कृपा है। कृपा किसकी है? श्री राधा रानी की, ब्रज महारानी की, राधा रानी की जो सब कुछ करती हैं, उनकी कृपा बिना कुछ होता नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन 7 दिन बारिश हुई, इंद्र ने अपने गणों से कहा भैया एक काम करो जाओ पूरा ब्रजमंडल डूब गया गया हो तो पानी बंद कर दो। तो कहते हैं इंद्र के दूत आए और बोले महाराज वहां पर धूल उड़ रही है, वहां पर पानी का एक बूंद भी गया नहीं, वहां क्या हो रही है? धूल उड़ रही है। राजा ने पूछा तुझे पर पानी गया तो गया कहां? तो बोले पानी 3 जगह गया, जो बारिश हुई ना वो 3 जगह गई। एक जगह शेष भगवान ने बाद बना दिया, एक जगह है सुदर्शन चक्र पूरे पानी को सुखो रहे हैं, जो आ रहा है पानी वो सुदर्शन चक्र के तेज से सूख गया, और एक जगह अगस्त मुनि अगस्त बाबा पानी को पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं? कथा ऐसी आती है जिस समय श्री राम भगवान ने इसको मारा रावण को, रावण को मारकर आए भगवान राम राज्याभिषेक हो गया। और भगवान का नियम है जब माता सीता भोजन बनाती तो भगवान कभी कभी वहां जाते हैं देखने, कभी कभी जाते हैं देखते। मैया बड़े भाव से भोजन बनाती है, अपने हाथों से भोजन बनाती है, पर नियम है ब्राह्मणों का भोजन रोज करवाती है। ब्राह्मण भोजन संत भोजन गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, कुमारी कन्याओं के लिए और गरीबों के लिए भोजन अपने हाथों से बनाती है, पर ब्राह्मणों के लिए तो अपने हाथों से ही बनाती है। शास्त्रों में नियम है सबके लिए बनवा दो, पर गुरु जी के लिए, ब्राह्मण के लिए, साधु के लिए, संतों के लिए बनाओ ना तो कम से कम परोसो जरूर। अगर समय नहीं है या आप नहीं बना पाते तो परोसना अपने हाथों से चाहिए। पुण्य पूरा होता है, लाभ पूरा होता है, लेकिन मैया सीता क्या करती है? स्वयं के हाथों से भोजन बनाती है। हजारों लाखों दास दासियां हैं फिर भी अपने से भोजन बनाती है, तो ब्राह्मण भोजन करवाती है रोज, उसके बाद भोजन होता है। एक दिन भगवान से बोली प्रभु स्वामी जो भी ब्राह्मण आता है 2-4 पूड़ियां कचौड़ियां खीर फल खाते हैं और चले जाते हैं, वो देखते बस महापूर्ण महापूर्ण अब नहीं चाहिए। कोई ऐसा ब्राह्मण मेरे जीवन में मेरे घर में अयोध्या में आ जाए कि जिसको हम भोजन कराते कराते भोजन पवाते पवाते
थक जाए। भी ऐसा ब्राह्मण है जो बढ़िया खूब सारा भोजन करे, 10-50 पूड़ियां, कचौड़ियां, 2-4 चकोरी, खीर, फल, मिठाई इत्यादि खूब भोजन करे, हमें लगे हम कराए हैं। अब जो भी पंडित जी आते हैं 3-4 पूड़ियां खाते हैं, खीर पीते हैं, चले जाते हैं। तो राम जी का देवी ऐसी बात मत करो। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है आपके यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण आ जाए जिसे आप खिला ही ना पाए, तृप्त ही ना कर पाए। मैया सीता बोली, प्रभु कोई आए तो, कोई ऐसा तो है जिसे मैं भोजन करा पाऊं। तो आज श्री भगवान बैठे थे, श्री राम प्रभु बैठे थे, और राम जी ने क्या किया, अगस्त का ध्यान नारायण, अगस्त बाबा का ध्यान किया। बोले बाबा हमारी अयोध्या में कब आ रहे हैं भोजन पाने। अगस्त जी बोले बाबा प्रभु भूखे ही बैठे हैं, तपस्या में जंगल में, जब आप बुला तो अभी आ जाएंगे। भगवान बोले तो आज ही आ जाइए। और कहते हैं जिस समय मैया सीता रसोई बना रही थी, अगस्त बाबा का आगमन हो गया। अगस्त बाबा जैसे ही आए क्या हुआ, स्वागत किया गया, पैर धुलवाए गए, सुंदर आसन में बैठाया गया, जल लाए गए। बोले महाराज बड़ी कृपा की, अयोध्या आज पावन हो गई, आज हमारी अयोध्या पवित्र हो गई। हमारे घर में जब भी गुरु जी, संत जी, ब्राह्मण जी, साधु जी, ये कोई आ जाए ना घर में, समझिए हमारे घर में साक्षात तीर्थ चल के आया है, हमारा घर आज पवित्र हो गया। घर में साधु संत महात्मा का आना बहुत जरूरी है, गुरु जी का आना जरूरी है, पंडित जी का आना जरूरी है, क्योंकि ये जब भी आते हैं तो हमारे घर में सब मंगल कर देते हैं। बाबा अगस्त का स्वागत किया गया। और मैया सीता बोली, बाबा बड़ी कृपा की, आप आ जाए, आज भोजन पाके ही जाइएगा। बाबा बोले आए तो खाके ही जाएंगे, हमारी कौन सी पत्नी है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, घर है, मकान है, हम तो भटकर साधु हैं, जहाँ जाते हैं हमारे खाके ही जाते हैं, नियम है हमारा। अब कहते हैं सोने की चौकी में, मैया सीता सोने की सुंदर चौकी में भोजन बनाकर लाई, और सुंदर चांदी की थाल में सोने की चौकी में भोजन बनाई, 20-25 कटोरियां पूरे थाल में सजाई, भोजन कई प्रकार के भोजन बनाई, और लाकर रखी, पानी रखी, बोले महाराज लगाइए ना भोग। तो बाबा अगस्त ने भोग लगाया, और जैसे ही बाबा अगस्त बैठे, सोई राम जी ने इशारा कर दिया, बाबा अपना असली वाला रूप दिखाना। तो अगस्त बाबा ने भोजन आरंभ कर दिया, और कैसे करते हैं, छह पूड़ियां एक ही बार में आई है, छह पूड़ियां इकट्ठा, छह पूड़ी लेते हैं और पूरी की पूरी खा जाते हैं, ऊपर से सब्जी खा जाते हैं, खीर गिर गई, मैया से अब फिर फटाफट बना रही जल्दी जल्दी, और किसी की हेल्प नहीं, बनाते जा रही है, और लाइन लाते जा रही, लाते जा रही, बाबा तो खाते जा रहे, कब खाते जा रहे। तो क्या की, अब सहायता ली देवरानियों से, बोली आ जाओ आप लोग भी सहायता करो। तो कहते हैं चारों भाइयों की चारों पत्नियां, माता सीता, उर्मिला जी, सब लोग मिलकर के जल्दी जल्दी पूड़ियां मिल रही हैं, तल रही हैं, और बाबा के पास ले जा रही हैं, बाबा खाते जा रहे हैं। 2-3 घंटे हो गए, भोजन चल ही रहा है। हनुमान जी से बोली, हनुमान जी आप भी आइए। हनुमान जी क्या करते, आटा लगाते हैं। हनुमान जी आ गए, अयोध्या के बहुत से कर्मचारी आ गए, सेवक आ गए, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, राम जी के चेहरे की मुस्कुराहट है। बाबा पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। तो मैया ने क्या किया, गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि को सबको बुलाया, अष्ट सिद्धि नव निधियां सब आ गई, भोजन बना रही है, और बाबा भोजन करते जा रहे हैं, करते जा रहे, करते जा रहे। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, बाबा का भोजन चलता जा रहा है। शिफ्ट बांध दी गई कि 8 घंटे आप लोग कराइए, 8 घंटे और लोग, 8 घंटे और लोग, आराम भी चाहिए ना। पर बाबा तो बिना आराम किए नॉन स्टॉप भोजन करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे। जय जय श्री राम। 17 दिनों तक बाबा अगस्त ने भोजन किया, 18वें दिन मैया चरणों में गिर पड़ी, भगवान श्री राम के, प्रभु कैसे महाराज हैं, कैसे साधु हैं, अरे हम अयोध्या के राजा होकर भी, अयोध्या की महारानी होकर भी भोजन पूरा नहीं करा पा रहे हैं।
भगवान श्री राम बोले देवी आप ही तो बोलती थी कोई अच्छा खाने वाला आए तो भगवान ने आपकी सुन ली। बोली प्रभु हमारे बस की नहीं है, सारा स्टॉक खत्म हो रहा है, स्टोर रूम में कुछ बचा नहीं है, लाते जा रहे हैं बनता जा रहा है, क्या करें। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। संत ऐसा कहते हैं तुलसी जल भी